यूपी के बुलंदशहर में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। जी हां, इस हादसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि बुलंदशहर कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव जटपुरा के रहने वाला एक ही परिवार के वचन सिंह, पुत्री पूजा व भतीजे जीतू एक ही बाइक पर सवार होकर बुलंदशहर में एक मैरिज होम में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए घर से निकले थे। बुलंदशहर शादी समारोह में शामिल होने के बाद जब तीनों एक ही बाइक पर सवार होकर देर रात अपने गांव जटपुरा जा रहे थे, तभी जटपुरा से पहले गांव मिर्जापुर के पास सामने से आती तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ने बाइक सवार तीन लोगों को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही तीनों की मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और शवों को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मृतकों के परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर कार की तलाश में जुट चुकी है। वहीं मृतकों के परिजनों का आरोप है कि एक्सीडेंट के बाद फोन करने पर पुलिस और एम्बुलेंस समय से नहीं पहुंच सकी। अगर एम्बुलेंस समय से पहुंच जाती तो शायद तीन लोगों की जान बच सकती थी। वहीं एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत से गांव में गम का माहौल बना हुआ है। क्या नाम है आपका? आज जो जिला अस्पताल में आयो, किस लिए आयो? जी, हमारे परिवार के तीन सदस्य हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है। रात उनका एक्सीडेंट हुआ था 10 बजे करीब, 10:30 मिर्जापुर धर्मकांटा पर, और हमने पुलिस पर भी फोन किया, एम्बुलेंस पर भी गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। किस चीज से एक्सीडेंट हुआ था? जी, एक्सीडेंट हुआ था, एक शिफ्ट अज्ञात है गाड़ी देख नहीं पाए हादसे के कारण, और पुलिस पे हमने फोन किया, 100 नंबर का फोन काट दिया, और एम्बुलेंस भी नहीं आई, इसके कारण तीनों की मृत्यु हो गई। एक ही परिवार के थे तीनों लोग? तीनों एक ही परिवार के थे। कौन कौन थे? एक बच्चा था 16 साल का लड़का जिसका नाम जीतू था, एक लड़की थी पूजा नाम की जिसकी आयु 20 वर्ष थी, और जो मेरे चाचा जी थे उनकी उम्र 47 साल। ठीक है, एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हुई है सड़क हादसे में, क्या मामला, किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? इस संबंध में थाना कोतवाली देहात पर एक तहरीर प्राप्त हुई है जिसमें ये वर्णन था कि तीन लोग मोटरसाइकिल से जा रहे थे, एक अज्ञात वाहन जो स्विफ्ट टाइप का वाहन था उसने टक्कर मार दी जिसमें तीनों लोगों की मृत्यु हो गई है। उनका पंचायतनामा भर करके पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है, अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, अन्य व्यवस्थात्मक कार्रवाई संपादित की जा रही है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।